अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिस्टर अग्निवंशी, ये आपको क्या हुआ? मिस्टर अग्निवंशी, तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर मेरी इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? मैं जाने दो, कौन मेरा मर जाने दो मुझे। यही तो मैं नहीं कर सकती, ये जानते हुए भी कि आपने मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। एकांश, ओह गॉड, विक्रम तुम अभी क्या, अभी डॉक्टर को फोन करो, हमें अभी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा इसे। एकांश, बाहर मौसम बहुत खराब है और हॉस्पिटल भी दूर है, एम्बुलेंस नहीं आई। जो भी मरम पट्टी करनी है यहीं पे करनी होगी। इसे जल्दी रूम में ले चलो, नेटवर्क भी नहीं है। तुम दूर हो। एकांश उठो। एकांश, ये सब कैसे हुआ? अरे तुम पहले देखो कि पट्टी ठीक से लग रही है नहीं। एकांश मेरा पति है, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ एकांश, ये सब कैसे हुआ? किसी ने मुझ पर हमला किया था। किसने? उसने नकाब पहना हुआ था, मैं उसका नकाब हटाने गया तो हाथापाई में उसने मुझे धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन यहाँ तो हम चारों के अलावा और कोई नहीं, तो फिर कौन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला था ना आज के यहाँ पर कोई एक और कपल भी रुका हुआ है, शायद उनमें से कोई होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ में था, उसने बहुत शराब पी हुई थी, वो इतने नशे में था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसने भी मुझ पर हमला किया वो बहुत ताकतवर था। हो सकता है वो चोर हो, चोरी करने आया हो, उसी ने वार किया हो। देखो कमरे में कैसे सामान बिखरा पड़ा है। हाँ एकांश, हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो। एकांश तुम आराम करो, हम कल सुबह देखते हैं किसने किया। चलो महक। तुम फ्रेश फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मिस्टर अग्निवंशी ने कहा है कि उन पर किसी आदमी ने हमला किया था और उन सबको लगता है कि कोई चोर है जिसने उन पर हमला किया था, लेकिन यहाँ तो कोई चोर आया ही नहीं। वो जो सारा सामान बिखरा पड़ा था वो तो मैंने बिखेरा था पेनड्राइव ढूंढते ढूंढते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर टोटल 3 आदमी है, मिस्टर अग्निवंशी, तुम और वो आदमी जो मिस्टर अग्निवंशी ने कहा है कि नशे में था। हम सुबह बात करते रहेंगे, मैं खाना देख के आता हूँ। सच सच बताओ क्या तुमने हमला किया मिस्टर अग्निवंशी पर? कुछ भी मत बोलो। मैं
विक्रम, तुमने मिस्टर अग्निवंश पर हमला क्यों किया? हैक, मैंने उस पर हमला नहीं किया था, मैं तो सिर्फ पेन ड्राइव ढूंढने गया था जो तुम्हें नहीं मिल रही थी, बस। तो फिर ये कुल्हाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? हैक, वो मेरी सेफ्टी के लिए, और एकांश ने खुद ही अपने ऊपर अटैक किया उस कुल्हाड़ी को लेकर, मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन तुम तो कल से उन पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे ना? विक्रम, ये आखिरी बार है जो तुमने ऐसा किया है मिस्टर अग्निवंशी के साथ। अगर अगली बार ऐसी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और प्रार्थना करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वो सुहाग है मेरे, अगर उनको कुछ हुआ तो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वो निशाना सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए था, मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा एकांश को, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, भरोसा करो मुझ पर। अच्छा, तो तुम्हें मिली वो पेन ड्राइव? पेन ड्राइव मुझे नहीं मिली, वो एकांश के पास ही है, जब मैं निकाल रहा था तो उसने अपने पॉकेट में रख दी थी, तो उसी के पास है। और एकांश मेरा भाई है, मैं उस पर कभी ऐसा हमला नहीं करूंगा। मुझे मिस्टर अग्निवंशी की जेब चेक करनी होगी। अरे एकांश जी, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुझ पर हमला करने वाला खुलेआम घूम रहा है, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकता। एकांश, तुम आज ही मौत के मुंह से बाहर आए हो, तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम बैठो आराम करो। तुषा, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। बैठो। देखो, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो, जो करना है कल करना, और अभी चुपचाप यहाँ पर बैठो, ओके? हाँ ठीक है, तुम जाओ, फ्रेश होने को जाओ, मैं सो रहा हूँ, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोप देने आई थी। इसे आप अभी पी लीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं आपके कपड़े उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डाल रही थी। मैं अपने भाई की बीवी से काम नहीं करवाता। तुम जा सकती हो यहाँ से, और वो कपड़े वहीं पर छोड़ दो। विक्रम ने तो कहा था पेन ड्राइव मिस्टर अग्निवंशी के पॉकेट में, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं। चली जाओ यहां से, क्योंकि अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद उस कोर्ट में हो पेन ड्राइव। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ यहां से, अगर तुम यहां से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। ये क्या कर रहे हो एकांश, तुम तो सोने जा रहे थे ना, तो सोए क्यों नहीं अब तक? और ये कपड़े क्यों फैले हुए हैं? कुछ नहीं, मैं बस सोने ही जा रहा।
एकांश रूम में कौन आया था? कोई भी तो नहीं। गुड नाइट। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ महक आई थी? उसके अलावा कौन है जिसे तुम पर इतना प्यार आ सकता है? लेकिन अब बस, बहुत हो गया तुम्हारा महक। यहाँ का नेटवर्क भी अजीब ही है, कभी आता है तो कभी नहीं आता। हाँ, मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा। निहारिका दीदी, मुझे इसी वक्त घर जाना होगा, नहीं तो ये निहारिका दी की जान ले लेंगे। एक सेकंड, मैं तुम्हें कैसे पता है कि किडनैपर ने उसे कहाँ रखा है? यहाँ पे भी कहीं पे भी रख सकते हैं। नहीं, मुझे पक्का पता है, ये घर में से किसी का काम है। और मैं यहाँ हनीमून पे आ गई हूँ, पेन ड्राइव देने की जगह, इसलिए वो गुस्सा हो गया, इसलिए मुझे घर वापस जाना ही होगा। देखो महक, तुम्हें पता है ना हम यहाँ कैसे पहुंचे? हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, नेटवर्क भी आ जा रहा है, तुम यहाँ से कैसे जाओगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाना ही होगा अपनी माँ और दीदी के लिए। ठीक है, जब फिर जब 10 मिनट बाद तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी का एहसास होगा ना, तब तुम वापस आओगी। मर जाने देते हैं, क्यों बचाया मुझे? ऐसे कैसे मरने देता, जान हो तो मेरी। तो फिर अपनी जान को उन गुंडों के हाथों क्यों मरवाना चाहते थे? वैसे तुम देख के नहीं चल सकती क्या? मैं देख कर ही चल रही थी, पता नहीं कैसे कंचे बीच में आ गए। यहाँ पर तो तुम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है, फिर ये कंचे कहाँ से आए? वैसे तुम जा कहाँ रही थी? मुझे जल्दी घर वापस जाना है। क्यों? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो महक? नहीं। महक, तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझे सच बताओ, क्या वो जिस इंसान ने मारने की कोशिश की उसी पर भरोसा कर लो। पूरा इलाका पानी से भर चुका है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मगरमच्छ नहीं खाएगा और तुम पानी में तैर कर बच निकलोगी तो फिर तुम जा सकती हो। अपने कमरे में वापस जाओ महक। जाओ। पहले मुझ पर हमला हुआ, फिर महक के लिए चाल बिछाया गया, आखिर ये सब हो क्या रहा है? बहुत दोरे डालिए तूने मेरे पति पर महक, आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। उसी नंबर पे कॉल करती हूँ। हाँ?
राइट, वो क्यों नहीं आ रहा है? काम करती हूँ, वॉइस मैसेज भेजती हूँ। आप प्लीज निहारे गद्दी को चोट मत पहुंचाए। मैं आपकी पेन ड्राइव ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये वॉइस मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? बीमारी में भी तुमसे शराब नहीं छूटती है, पीपी के मर जाओगे एक दिन। अरे लोग बोलते हैं ना कि दारू दवा है, तो मैंने सोचा एक बार आजमा कर देख लूं। अपने मेरी बीवी महक को देखा है कहीं? वो जाना चाहती थी यहाँ से, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से वो नहीं गई। अगर वो बाहर नहीं गई है तो कहाँ पर है? नेटवर्क भी नहीं आ रहा। विक्रम तो यहाँ आ गया, लेकिन महक अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? जो भी हो, मैं तुम्हारा चेहरा बेनकाब करके रहूंगी। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ है?
क्यों तुम मेरी जान लेना चाहते हो? अपना चेहरा दिखाओ। विक्रम, मैं कहाँ पर है? आप अपनी बीवी की खबर रखिए, मैं अपनी बीवी को खुद ढूंढूंगा। वैसे त्रिशा कहाँ पर है? वो अपने रूम में सो रही है। वाह क्या बात है, अक्सर सुना है पत्नियां पति को ढूंढती रहती हैं, पर आज यहाँ पति पत्नी को ढूंढने के लिए परेशान है। त्रिशा और महक दोनों गायब है, मतलब मुझे महक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा।